शुभ समय में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं इस समय हमारा विशेष कार्यक्रम जीएसटी, जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। कार्यक्रम के सहयोगी हैं फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, शाह ग्रुप, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एंड सप्लायर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील, कंप्लीट सॉल्यूशन इन स्टील, स्टील लाइन इंडिया, सिस्टर कंसर्न रॉयल स्टेनलेस स्टील, पार्थ स्टील एंड इंजीनियरिंग कंपनी, स्पेशल स्टील एंड एलॉयज। महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली अधिवेशन होने जा रहा है, स्पेशल अधिवेशन बुलाया जीएसटी को लागू करने के लिए, और फार्म को जो है विशेष रूप से सरकार ने तरजीह दी है कि आप व्यापारियों की समस्याएं या कोई भी हो, समाधान हो, आप हमारे सामने आइए। फार्म और शुभ समय ने मिलकर के कैंपेनिंग शुरू की है जीएसटी के बारे में व्यापारियों को अवेयरनेस और जागृति लाने के लिए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जबकि हमारी गवर्नमेंट को इतना टाइम लग रहा है जीएसटी इंप्लीमेंट करने में, जीएसटी के कायदे कानून को किस तरह ट्रेडर्स के समक्ष लाने में, आप उतना सोचो, गवर्नमेंट तक ये संदेश आप पहुँचना चाहिए कि आप लोग को अगर एक साल यदि चाहिए ये चीज़ इंप्लीमेंट करने के लिए, हम ट्रेडर्स जो इंडियन इकोनॉमी की एक छोटी सी से धरोहर है, उनको ये चीज़ समझने में कितनी कष्ट हो रही है। हमारे पास इतने ज़्यादा सवाल है जिनके हमको कोई तरह के से जवाब नहीं मिल पा रहे हैं कॉन्क्रीट। अगर 1 जुलाई से ये जीएसटी लागू होने में है तो जीएसटी के प्रति हमारे क्या विचार है, गवर्नमेंट को हमारे साथ बैठ के हमारे प्रॉब्लम समझने चाहिए, साथ में सॉल्व करने चाहिए। आपने सवाल की बात करी तो आप कोई सवाल बताया कि इस तरह के सवाल है जब हमें उत्तर नहीं मिल रहा है या कंफ्यूजन है व्यापारियों को, आपके मार्केट की बात करें, एक्साइज के रिलेटेड है, हमको हमारे स्टॉक में टैक्स के हिसाब से सेट ऑफ कैसे मिलेगा, ये सब हमारे इतने अंदरूनी सवाल है जो हमारे साथ में कोई भी वरिष्ठ अधिकारी बैठक करके हमको ट्यूटोरियल जैसा कोई सेशन दे तो हमें इसे समझ में आए। आज आई शुड टेल यू दैट द पाइप फिटिंग एसोसिएशन वॉज द फर्स्ट इन द एंटायर कंट्री टू ऑर्गेनाइज अ जीएसटी सेमिनार 1 ईयर बिफोर अलॉन्ग विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तभी भी हमको इंटीमेशन आया था से जीएसटी का, पर इम्प्लीमेंटेशन का कुछ था नहीं क्योंकि इतने सारे से ब्लॉक्स है। आज भी हम वो ही राह पे है कि 1 जुलाई को अगर ये टैक्स आ रहा है तो आज तक 1.5 महीने पहले हमको टैक्स का फिगर भी नहीं पता चल रहा है कि 18% है, 22% है, 25% है, हमें किस तरह से हमारे रिटर्न्स फाइल करने हैं, क्या है हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, हमारा जो डिप्लेटेड स्टॉक है उसको हम किस तरह से एडजस्ट कर पावे। ये हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमको खुल के कोई अगर ट्यूटोरियल देके से समझावे ऑन द बोर्ड विद अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो वील बी वेरी हैप्पी। हमारे भालरिया सर है जो हमारे एनएससी के चेयरमैन है, वो इतने ऐसे मेहनत कर रहे हैं कि हमारी सारी की सारी कमेटी को विधानसभा के बैठक में ही इज प्लानिंग टू टेक अस अलॉन्ग विथ हिम सो एज टू अंडरस्टैंड द एंटायर सिनेरियो। जेटली जी, आप सुन रहे हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन कॉस्मेटिक सिटी के व्यापारी एडवांस है, स्मार्ट है और टेक्नोलॉजी में कदम आगे, फिर भी उनका ये मानना है, उनमें यह आशंका है कि जीएसटी को लेकर हमारे भी मन में भी शंका है तो छोटे शहरों में छोटे व्यापारियों के पास कितनी होगी, आप समझ सकते हो। कार्यशालाएँ हो सकती होगी, कार्यशालाएँ करते होंगे आपके अधिकारी, लेकिन ब्यूरोक्रेट अभी तक व्यापारियों को समझाने में नाकाम रहा है, ये व्यापारियों का कहना है, मुंबई के व्यापारियों का कहना है। मैं सही कह रहा हूँ? मैं आपकी बात एकदम टोटली राइट है। मैं आपको खाली एक छोटी चीज, जरा आपका टाइम ले रहा हूँ बस, कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम रात को 8:30 बजे नरेंद्र मोदी जी ने टेलीविजन पे से धड़ाका किया, क्योंकि जो भी था 2 नंबरी इनकम वगैरह जो भी उनका हेतु था वो ठीक है, अगर कोई टैक्स सारे हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है तो वो चीज को टेलीविजन पे ऑल इंडिया लेवल पे फुटेज क्यों नहीं मिल रही है, उसका ट्यूटोरियल ऑल इंडिया लेवल पे क्यों नहीं हो रहा है। 2000 की नोट बदलना इम्पोर्टेंट था या ये टैक्स इंट्रोड्यूस करना इम्पोर्टेंट था? आई होप पीपल आर गेटिंग द मैसेज वेरी क्लियर कि ये ट्यूटोरियल टीवी के माध्यम से सारे के सारे व्यापारियों को पहुंचना चाहिए। शुभ समय में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।